फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने मोटो G45 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में कॉल वेटिंग सेटिंग को अपना डिसेबल कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, इसके लिए आपको सबसे पहले मोबाइल फ़ोन का कॉल लॉक ओपन करना है। ठीक है, कॉल लॉक जो ये होता है ना, इसमें आपको सबसे ऊपर 3 डॉट का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब इस पेज में आपको सेटिंग पर सिलेक्ट करना है। इस पेज में आपको नीचे कॉलिंग अकाउंट पर सिलेक्ट करना है। अब इस पेज में आपको अपने फ़ोन की सिम को सिलेक्ट करना है। इस पेज में आपको नीचे एडिशनल सेटिंग सेलेक्ट करना है। अब इस पेज में आपका जो है ना पेज रिफ्रेश होगा। देखिए, इस तरीके से पेज रिफ्रेश होने लगेगा। जब तक ये पेज रिफ्रेश नहीं होता है ना, आपको तब तक जो है थोड़ा वेट करना है यहाँ पे। ठीक है, देखिए पेज जो है रिफ्रेश हो चुका है और ये ऑप्शन हाईलाइट हो जाता है। तो ये कॉल वेटिंग के सामने जो बटन ये ऑन है ना, इसे ऑफ करना है। तो ये बटन को टैप करेंगे तो आपका पेज जो अपडेट होने लगेगा। आपको यहाँ पे जो है थोड़ा वेट करना है यहाँ पे। ठीक है, देखिए हमारा पेज जो अपडेट हो चुका है और ये कॉल वेटिंग के सामने वाला बटन भी ऑफ हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने फ़ोन में कॉल वेटिंग को डिसेबल कर सकते हैं। अब देखिए, डिसेबल करने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करेगी मैं आपको समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, मान लीजिए अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन पर किसी से बात कर रहे हैं, मान ली कॉलिंग पर बात कर रहे हैं। ठीक है, आप अपने फ़ोन पर कॉलिंग पर बात कर रहे हैं और इसी बीच में अगर कोई तीसरा पर्सन आपके मोबाइल नंबर पर कॉल करेगा ना, तो उस तीसरे पर्सन की कॉल आपके मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर दिखाई नहीं देगी। ठीक है, तो ये कॉल वेटिंग सेटिंग जो डिसेबल करने के बाद ऐसे काम करती है।